सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड पे। तो तुम लोगों को याद ही होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने बात किया था वर्टिगो कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। और वहाँ मैंने तुम लोग से पूछा था कि अगर तुम लोग को जो है वर्टिगो के कॉस्मोलॉजी और डीसी के कॉस्मोलॉजी के डिफरेंस के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। और तुम में से बहुत से लोगों की जो है रिक्वेस्ट आई कि मुझे इस चीज़ को कवर करना चाहिए। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीसी कॉस्मोलॉजी और वर्टिगो कॉस्मोलॉजी के डिफरेंस के बारे में कि एक टाइम पे अगर इन दोनों ही कॉमिक के इवेंट्स जो हैं एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा कैनन हुआ करते थे, दोनों की कॉस्मोलॉजी सेम हुआ करती थी, तो अब ये दोनों की कॉस्मोलॉजी डिफरेंट कैसे हो चुकी है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। अब हो सकता है तुम में से कुछ लोग ऐसे हों जिन लोगों को ये पता ना हो कि वर्टिगो कॉमिक्स कौन सी कंपनी है, इसका डीसी के साथ क्या कनेक्शन है। तो उन लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि वर्टिगो कॉमिक्स जो है वो कह सकते हो कि डीसी कॉमिक्स का एक इम्प्रिंट है जो स्टार्ट हुआ था तकरीबन 1993 के दौरान। और ये जो है कह सकते हो कि एक अडल्ट फैंटेसी कॉमिक कंटेंट के तौर पे जो है दिखाया गया था। बेसिकली डीसी कॉमिक्स के राइटर्स ने ही वर्टिगो कॉमिक्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो और भी ज़्यादा डार्क और भी ज़्यादा हॉररफुल और एडल्ट जो है कंटेंट पर फोकस कर सकें। और वर्टिगो कॉमिक्स जो है टोटली फैंटेसीज़ और इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होने वाला था। और हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पता हो, बट कैरेक्टर्स जैसे कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार, माइकल डुमरगस और जॉन कॉन्स्टेंटीन जैसे जो कैरेक्टर्स हैं ये सभी एक्चुअल में वर्टिगो से बिलोंग करते हैं। कह सकते हो कि वर्टिगो के जो कह सकते हो कि को राइटर्स रहे, जो मेन राइटर्स रहे, उन सभी का जो है उन सभी लोगों ने जो है इन कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है। अब बेसिकली एक टाइम पे जो है डीसी और वर्टिगो की जो कॉस्मोलॉजी थी वो सेम हुआ करती थी। इसका एक रीज़न ये था कि क्योंकि डीसी के जो इवेंट होते थे वो वर्टिगो के जो है इवेंट्स पे भी असर डालते थे। और यही सेम चीज़ जो है वर्टिगो और डीसी के केस में आती थी, अगर वर्टिगो के अंदर कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ तो वो जो इवेंट है वो डीसी के कॉस्मोलॉजी पे भी इफ़ेक्ट करेगा। बट ये सभी चीज़ें जो है अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। जैसा कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में बात किया था कि कैरेक्टर्स जैसे कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार, माइकल डुमरगस, मोस्ट द एंजल्स, डेविल्स, ये सब जो हैं ये अब कंप्लीटली हमें वर्टिगो कैरेक्टर्स के तौर पे देखने को मिलते हैं और हम लोग इन्हें डीसी कैरेक्टर्स के लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? अब कह सकते हो कि डीसी के कॉस्मोलॉजी को पूरे तरीके से बदल दिया गया है। वर्टिगो के कॉस्मोलॉजी में चेंजेस नहीं लाए गए लेकिन डीसी का कॉस्मोलॉजी चेंज किया गया और ग्रैंट मॉरिसन के पीछे इसका काफ़ी बड़ा हाथ है। ग्रैंट मॉरिसन मेरे अभी पर्सनल फेवरेट कॉमिक राइटर्स हैं और उन्होंने जो है डीसी के कॉस्मोलॉजी में अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। अब देखा जाए तो एक टाइम पे जो है डीसी और वर्टिगो का जो कह सकते हो कि जब इवेंट्स कैनन हुआ करते थे एक दूसरे के लिए तो उस टाइम पे बेसिकली ज़्यादातर बड़े बड़े इवेंट्स जो है बाइबल से कह सकते हो कि कई हद तक इंस्पायर थे, उनके इवेंट्स से इंस्पायर थे। इसी वजह से हमें गॉड और डेविल का जो है कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट डीसी और वर्टिगो के अंदर देखने को मिला था, जहाँ प्रेजेंस को जो है सुप्रीम बींग बताया जाता था और लूसीफर, माइकल और कह सकते हो कि गैब्रियल जैसे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते थे। बट डीसी के इस न्यू कॉस्मोलॉजी में ग्रैंट मॉरिसन ने इस चीज़ को टोटली चेंज कर दिया, जहां उन्होंने वियर्ड साइंस का यूज़ किया। अब कह सकते हो कि डीसी का वियर्ड साइंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ग्रैंट मॉरिसन ने जो है कह सकते हो कि एक मल्टीवर्स का मैप इंट्रोड्यूस किया, जिसे मैप ऑफ मल्टीवर्स कहा तो जाता है बट वो डीसी के पूरे कॉस्मोलॉजी को बताता है कि डीसी के ओमनीवर्स, आउटरवर्स, हाइपरवर्स में क्या क्या डिफरेंस है। और इसी मैप के थ्रू हमें गॉड स्फीयर, हाइपर टाइम और मॉनिटर स्फीयर जैसी चीज़ों से कह सकते हो कि इंट्रोड्यूस किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था जो प्रीवियस इवेंट्स हुए थे उन सभी के कंपेरेटिव, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ थी जो फैंस को जो है देखने को मिली और फैंस ने इसे एक्सेप्ट भी किया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नया था और कुछ डिफरेंट था। इन सब के ऊपर से कई हद तक ग्रैंट मॉरिसन ने जो है अपने इस नए कॉस्मोलॉजी के अंदर जैक कर्बी के द्वारा बनाए गए फोर्थ वर्ल्ड स्टोरी लाइन्स पे ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने सोर्स वॉल को जो है कह सकते हो कि एक बड़ा पॉइंट दिया है, काफ़ी बड़ा जो है कह सकते हो कि पोर्शन दिया है इस मैप के अंदर। इन सब के ऊपर से अब पूरे तरीके से ये जो कॉस्मोलॉजी में चेंजेस आए इसके वजह से जो है कैरेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। जैसे कि जो डीसी का आउटरवर्स है उसका क्रिएटर हमें स्टार्टिंग से ही प्रेजेंस को दिखाया गया है और प्रेजेंस को अभी भी डीसी के आउटरवर्स का क्रिएटर ही बताया जाता है, लेकिन इसमें जो है जो वियर्ड साइंस की चीज़ इंक्लूड की गई उससे कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंक्लूड हुए हैं। अब मल्टीवर्सिटी और फाइनल क्राइसिस जैसी कॉमिक्स जो है काफ़ी कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड कॉमिक्स निकल के आती है ग्रैंट मॉरिसन की, जिसमें जो है कह सकते हो कि कई हद तक जो है डीसी के कॉस्मोलॉजी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ हमें निक्स, उटॉन, रॉक्स, ओमेगा और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जैसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स भी देखने को मिले, जो हाइपरवर्सल, मेटावर्सल लेवल के जो है देखने को मिलते हैं।
इन सब के ऊपर से जैसे कि मैंने बताया कि प्रिजन्स को सुप्रीम बींग ही रहने दिया गया, लेकिन यहाँ वर्टिगो और डीसी में डिफरेंस क्या आता है? बेसिकली जितने भी बाइबल के थ्रू हुए हुए इवेंट्स थे वो अब डीसी के लिए कैनन नहीं रह गए थे, क्योंकि डीसी के जो कैरेक्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके थे और अब हमें डीसी में जो है प्रेजेंस से भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिले थे जो पूरे के पूरे कॉस्मोलॉजी को बदल के रख देते हैं। और इसीलिए प्रेजेंस को जो है वर्टिगो का सुप्रीम बींग बताया गया, वर्टिगो का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बताया गया और लूसिफर, माइकल, एलन ब्लॉक जैसे कैरेक्टर्स को जो है एक साइड कर दिया गया और डीसी के वियर्ड साइंस के कैरेक्टर्स जैसे कि सोर्स, ओवर वॉइड, इन सभी को एक तरफ करके डीसी के थ्रू कैनन रखा गया। बट प्रेजेंस जैसे कैरेक्टर को डीसी और वर्टिगो दोनों का कैरेक्टर बनाया गया, क्योंकि प्रेजेंस स्टार्टिंग से ही आउटरवर्स का क्रिएटर रहा है, इसलिए उसे चेंज करना थोड़ा सा जो है कह सकते हो कि मुश्किल था। इन सब के ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी थे जैसे कि स्वाम्प थिंग और जॉन कॉन्स्टेंटीन, जो हमें वर्टिगो और डीसी दोनों के लिए कैनन अभी भी देखने को मिलते हैं। अब ये दोनों ही कैरेक्टर्स दिखने में तो जो है उतने ज़्यादा पावरफुल हमें डीसी के अंदर नहीं लगे, लेकिन वर्टिगो कॉमिक्स के अंदर इन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। जहाँ स्वाम्प थिंग जो कह सकते हो कि अपने ट्रू फॉर्म में मल्टीवर्स से ज़्यादा पावरफुल है, वहीं जॉन कॉन्स्टेंटीन ने तो ऐसे ऐसे डीमंस को हराया है जो एंजल्स की किस्मत भी लिख चुके थे। अब इन सब के अलावा अब बेसिकली अगर देखा जाए तो डीसी का जो नया कॉस्मोलॉजी था ये कई हद तक सोर्स और ओवर वॉइड के आसपास घूम रहा था। अब द प्रेजेंस जो है वो कह सकते हो कि कई हद तक पूरे के पूरे आउटरवर्स का क्रिएटर था, लेकिन डीसी की जितनी भी स्टोरी लाइन्स थी उसे जो है ओवर वॉइड के थ्रू बताया जाता है। ओवर वॉइड को उस वाइट पेज को बताया गया, ओवर वॉइड को जो है डिनोट किया गया कि वो एक ऐसा वाइट पेज है जिसके ऊपर डीसी के सारे इवेंट्स होते हैं और प्रेजेंस भी उसी वाइट पेज के अंदर एग्जिस्ट करता है, इंक्लूडिंग सोर्स, प्रेजेंस और जितने भी तुम कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हो। तो इस वजह से कह सकते हो कि ओवरवॉइड एक के कैरेक्टर है भी और नहीं भी, क्योंकि कॉमिक्स में से दिखाया गया भी है और दिखाया नहीं भी गया है। इन सब के ऊपर से क्योंकि अब ओवरवॉइड वो वाइट पेज है जिसके ऊपर स्टोरीज लिखी जा रही हैं, तो एक चीज़ ये निकल के आती है कि फिर उस वाइट पेज के ऊपर स्टोरी लिख कौन रहा है। और यहाँ पे ग्रैंट मॉरिसन ने कह सकते हो कि कई हद तक खुद को रिप्रेजेंट करते हुए द राइटर को क्रिएट किया, और द राइटर जो है वो सुप्रीम बींग के भी अबव लेवल का कैरेक्टर है जो लिटरली बाउंडलेस है। और मुझे नहीं लगता कि फिक्शनल यूनिवर्स में हमें इससे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर कोई देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ वियर्ड साइंस एंड कॉस्मोलॉजी। अब देखा जाए तो राइटर जो है वो कैरेक्टर है जो ग्रैंट मॉरिसन को रिप्रेजेंट करता है, जो स्टोरी लाइन्स को लिखता है, उन स्टोरी लाइन्स को जिस पेज पे वो लिखता है वो ओवर वॉइड है और ओवर वॉइड के अंदर ही बाकी कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही साथ ग्रैंट मॉरिसन ने जो है वर्टिगो को एक तरीके से कह सकते हो कि इसमें ग्रैंट मॉरिसन का पूरा हाथ नहीं है कि वो वर्टिगो को जो है पूरे तरीके से अलग करती हैं, लेकिन क्योंकि वर्टिगो के अंदर काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हो चुके थे ऑलरेडी, जैसे कि तुम लोग जानते होगे कि ग्रेट इविल बीस्ट का इवेंट या फिर तुम बात कर लो कि डिवाइन वगैरह का जो इवेंट हुआ था, तो इसी वजह से जो है वर्टिगो के जो इवेंट्स थे उसे डीसी के लिए कैनन रखे गए। बट अगर डीसी के अंदर कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसे वर्टिगो के लिए कह सकते हो कि कई हद तक नॉन कैनन कर दिया गया, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स सिमिलर अब नहीं रहे। लूसिफर, माइकल जैसे कैरेक्टर्स अब एक पूरे तरीके से जो है वर्टिगो के कैरेक्टर्स बन गए थे, वहीं डीसी में हमें एम्प्टी हैंड और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जैसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स देखने को मिले। अब कई हद तक ये कहा जा सकता है कि जो वर्टिगो का कॉस्मोलॉजी है वो कई हद तक बाइबल से इंस्पायर्ड है, वहीं जो डीसी का करंट कॉस्मोलॉजी है उसे ग्रैंट मॉरिसन ने अपने वियर्ड साइंस से क्रिएट किया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव निकल के आता है, क्योंकि ये जो है काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हैं। और डीसी सबसे पहली कॉमिक बुक कंपनीज में से एक रहा है जिसने एक बहुत ही प्रॉपर किस्म की जो है कॉस्मोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था, दो अलग अलग इवेंट्स को जो है एक साथ कराते हुए। वर्टिगो में भी इवेंट्स किए जा रहे थे, वही डीसी के अंदर भी इवेंट्स हो रहे थे और दोनों एक दूसरे के लिए कैनन थे, और यहाँ पर एक तरीके से पूरा कॉस्मोलॉजी क्रिएट होता है। अब अगर देखा जाए तो करेंटली वर्टिगो के कैरेक्टर्स जो हैं कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो डीसी में भी एग्जिस्ट करते हैं, वर्टिगो में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर को परमानेंटली वर्टिगो कैरेक्टर्स बना दिया गया है। और अगर बात की जाए द एंडलेस की, तो द एंडलेस क्योंकि प्रेजेंस की क्रिएशन के अंदर नहीं आते हैं, भले वो प्रेजेंस से काफ़ी ज़्यादा वीक हों, लेकिन क्योंकि प्रेजेंस ने उन्हें जो है एक्चुअल में क्रिएट नहीं किया है, इसलिए वो डीसी और वर्टिगो दोनों का पार्ट है। और ऐसे ही कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं जो डीसी वर्टिगो दोनों का पार्ट हैं, लेकिन एंजल्स और डीमंस कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें अब टोटली वर्टिगो का कैरेक्टर बताया गया है, क्योंकि वर्टिगो की कॉस्मोलॉजी इन्हीं सब के आसपास घूमती है, गॉड, डेविल, एंजल्स, इन सब के अलावा। और भाई अगर हम लोग आ जाए डीसी के ऊपर, तो डीसी की जो कॉस्मोलॉजी है वो ओवर वॉइड, सोर्स, एम्प्टी हैंड, कॉस्मिक आर्मर, सुपरमैन, द राइटर जैसे कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है जो वियर्ड साइंस का पार्ट है।
तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक टाइम पे ये दोनों ही कॉस्मोलॉजी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। दोनों ही डीसी और वर्टिगो के अंदर बाइबल की कॉस्मोलॉजी को, बाइबल से इंस्पायर्ड कॉस्मोलॉजी को जो है यूज़ किया जाता था। बट अब जो है ग्रैंट मॉरिसन ने एक काफ़ी बड़ा कह सकते हो कि चेंज लाया और फैंस को सच में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। हो सकता है तुम में से भी बहुत से लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा जो नया तरह का डीसी के कॉस्मोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि डीसी में जो है बेसिकली ऑमनीवर्स, हाइपरवर्स, आउटरवर्स का टर्म ना यूज़ करके स्फीयर का टर्म यूज़ किया गया। जैसे कि गॉड स्फीयर जो ऑमनीवर्स को रिप्रेजेंट करता है, लिम्बो जो हाइपर टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मॉनिटर स्फीयर जो कह सकते हो कि मेटावर्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह की डिफरेंट चीज़ें भी, जिस वजह से ये दोनों का कॉस्मोलॉजी अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। और आई होप सो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के सुप्रीम बींग्स भी डिफरेंट हैं, जहाँ प्रेजेंस जो है वर्टिगो का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन डीसी में अब ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो प्रेजेंस के अबव लाइक करते हैं। सो गाइज, ये थी वीडियो वर्टिगो कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स की कॉस्मोलॉजी के डिफरेंस को लेके। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और डिटेल लगी हो। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसे जाके दबा देना। तुम में से मोर देन 60% बंदे ऐसे हैं जो वीडियोज़ देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।